तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ टिकटॉक वीएफएक्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है ये सावन चल रहा है अभी, और अभी ऐसे में बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है सावन, मतलब वीएफएक्स से रिलेटेड, शिवजी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक यूनिक, बहुत ही डिफरेंट टाइप का वीडियो बनाने वाला हूँ, शिवजी का वीएफएक्स वीडियो, और बहुत ही यूनिक लगेंगे, बहुत ही स्टाइलिश लगेंगे, सबसे अलग, मतलब यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिला होगा, ना टिकटॉक में ऐसे वीडियो मिला होगा। तो इस टाइप का आप वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन पर, कुछ इस तरह से लगेंगे देखने में। बहुत ही ज़्यादा वीएफएक्स एडिटिंग के साथ ये वीडियो बना है। तो कैसे बनाएं ये वीडियो को, वीडियो में मैं कंटिन्यू में बताऊंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करना और कंप्लीटली देखना, और स्टेप बाय स्टेप समझना कि कैसे बनाया, और फ्रेंड्स बारीकी से समझना और ध्यान से देखना वीडियो को, और स्किप मत करना, स्किप करने से समझ नहीं आएगा कोई भी पार्ट छूटा तो। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको काइंड मास्टर की मोड वर्जन चाहिए। तो अगर मोड वर्जन नहीं है तो फिर डिस्प्ले पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, उस पर आप हमें हेलो करें, हाय हेलो करें, मैं वहाँ लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है काइंड मास्टर की मोड वर्जन, तभी आप इस टाइप के वीएफएक्स वीडियो को बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेनी है। तो चलिए फिर वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, काइन मास्टर में 9:16 वाला रेशियो को ले लेना है। और लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो वीडियो आपने शूट करी है उस वीडियो को यहाँ इंपोर्ट कर देना, और कुछ इस तरह से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ बेकार वाला हिस्सा वीडियो का अगर है तो उसको डिलीट कर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ऐसे जो मेरा हालांकि वीडियो में शायद बेकार वाला कुछ हिस्सा पीछे के साइड है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से रहेंगे फ्रेंड्स, ये मैं बैठ रहा हूँ, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद लास्ट में कुछ यहाँ से, तो यहाँ से जब मैं मुड़ रहा हूँ वहाँ बेकार हिस्सा है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब कट कर देता हूँ ये। तो इस तरह से आपको भी एडजस्ट करके देख लेना है कि कहाँ से आपका बेकार हिस्सा है, उसको हटा देना है क्योंकि वीडियो ख़राब कर देगी नहीं तो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो का बीच में कट लगाना है, दो भाग में वीडियो को बांटना है, तो कहाँ से आपको ग्रीन स्क्रीन देना है वो चीज़ देख लीजिए कि कहाँ से आपको शिव जी को प्रकट करवाना है। तो ये जो है, मतलब इससे पहले जहाँ शिव जी आते हैं उसके पहले, उसके बाद मैं हाथ उठा रहा हूँ, तो कुछ इसे ऐसे इफेक्ट देना है मुझे इस वीडियो में। तो उसके लिए आपको वीडियो को इस हाफ से कट लगा देना, और उसके बाद ये जो वीडियो का क्लिप है इसका जो स्पीड है इसको स्लो कर देना, बहुत ज़्यादा स्लो, लगभग 0.36 में कर देना, और ज़्यादा स्लो कर सकते तो और भी ज़्यादा स्लो कर देना, और इस वाले वीडियो का जो स्पीड है इसको बढ़ा देना, ठीक है फ्रेंड्स, 1.34x कर देना। और अब वीडियो का जो लगभग कुछ इस तरह से रहेंगे, पूरा फास्ट हो गया मेरा वीडियो। और इसका जो साउंड है फ्रेंड्स, मेन साउंड उसको ऑफ कर देना, जो वीडियो का मेन साउंड रहेगा शूट करने के टाइम वो उसको ऑफ कर देना। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट का जो वीडियो है फ्रेंड्स, उसको क्या करना है कि आपको यहाँ पर रेड वाला जो कलर देख रहा है इसमें कलर फिल्टर में जाके लगा देना है, और कलर एडजस्टमेंट में जाके कलर को एडजस्ट कर लेना है। तो हालांकि मेरा चेक सेट है इसलिए प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको नॉर्मली से एक कलर का सेट में वीडियो को शूट कर लेना है ताकि और भी बेटर बने वीडियो, और क्रोमा के ओपन करने के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देनी है फ्रेंड्स। तो हमारा वीडियो जो लगभग 50% तैयार हो चुका है, और नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है इसके बाद। तो ये हमारा वीडियो तैयार हो चुका है, तो इसको अब एक्सपोर्ट कर देना 720p में, और इसके बाद फ्रेंड्स कुछ 8 MB का एक्सपोर्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसको बैक करना, और फिर से आपको 9:16 वाला रेशियो लेना है, और वही वीडियो को जो वीडियो एक्सपोर्ट किए उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देना। फिर इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ बीच में जहाँ रेड वाला स्क्रीन को लगाए हैं वहाँ आपको कट कर लेना, अगर कट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो को जो मतलब बड़ा कर देना लेयर को, और कट कर लेना यहाँ से बीच से, मतलब स्प्लिट स्प्लेट कर देना। और इसके बाद इसको टच करना, और 3 डॉट में आपको यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर में सेलेक्ट करना, और पहले वाला जो भाग का वीडियो है उसको डिलीट कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ शिव जी का फोटो देखने को मिल जाएगा, नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये वाला फ़ोटो है मेरा, तो ये वाला फ़ोटो को इसके बाद इसको जूम कर लेते हैं मेरा वीडियो को, और क्रोमा के में जाके इसको ओपन कर लेते हैं, इनवेल कर देते हैं, और कलर को रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और वीडियो कुछ मेरा इस तरह से बन चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्रोमा के में, तो
बेकार वाला हिस्सा को यहाँ डिलीट कर देना और मेरा वीडियो यहाँ से कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि वीडियो तो थोड़ा नॉर्मल है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको मोड वर्जन वाला कैनवास्टर चाहिए जिससे कि आप बेटर और इफेक्ट दे सके। तो इसमें आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है फ्रेंड्स MVFX। MVFX में जाके आपको ये वाला स्टाइल फोर्स का जो वीडियो का इफेक्ट है इसको डाल देना इस वीडियो में, पहला वाला वीडियो में भाग में, और सेकेंड वाला वीडियो का भाग में भी आपको MVFX में जाना है। और कौन सा वाला डालना है दिखाता हूँ मैं आपको, स्टाइल वन में डाल देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका वीडियो का जो लुक है बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिंग के साथ देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद आप सॉन्ग डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल के लगेंगे फ्रेंड्स, एक नंबर झकास लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा वायरल होने के चांसेस में आ जाएंगे। तो इस तरह से आज का वीडियो हमारा था फ्रेंड्स, आप आई होप समझ गए हैं कि किस तरह से बनाना था इस वीडियो को। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।